हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल शेड्स ऑफ हैप्पीनेस। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़िंदगी में मजे ले रहे होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली डिश और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग, और फ्लेवर का तो एक्सप्लोजन होने वाला है। आज हम बनाएंगे पेरी पेरी सैंडविच, पेरी पेरी पनीर सैंडविच। तो पेरी पेरी एक मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस का, जो कि आप दो तरीके से प्रोक्योर कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए हमें चाहिए पेरी पेरी मिक्स, दही, कैप्सिकम डाइस करी हुई, अनियन डाइस करा हुआ, चिली फ्लेक्स, नमक, हरी चटनी और ब्रेड और पनीर। बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और बहुत ही सिंपल है। तो पेरी पेरी प्रोक्योर कैसे कर सकते हैं आप? या तो आप बाज़ार जाएं, पेरी पेरी मसाला परचेज़ कर लें। आप लगभग 100 रुपये का एक शीशी आती है, तो ले सकते हैं। और सेकेंड वे है कि आप अभी कभी मैकडोनल्ड्स जाएँ या बर्गर किंग जाएँ, वहाँ पर पेरी पेरी फ्राइज़ ले लें आप, साथ में मिक्सचर मिलेगा, वो फ्राइज़ में ना डाल के आप इसमें यूज़ कर लें आप, ठीक है ना। दोनों काम हो जाएंगे, आउटिंग भी हो जाएगी और पेरी पेरी मिक्स भी मिल जाएगा आपको वन टाइम यूज़ के लिए। तो आइदर वे आप ले सकते हैं। तो हम एक बॉल में लेंगे दही, चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मिक्स। बेसिकली ये ना गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, सोया पाउडर, सोया सॉस पाउडर, अलग अलग तरह के प्री मिक्स हैं। एक डिस्क्राइब क्वांटिटी में मिक्स हो जाता है। नमक स्वाद अनुसार, आजकल नमक भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, बाद में आता था कि मुझे बोलना है। तो कर लेंगे मिक्स। इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को मोटा मोटा इतना क्यूब में काटना है। अनियन, और कैप्सिकम, और कर लेंगे मिक्स, ताकि हर इंच ऑफ अनियन, कैप्सिकम और पनीर हमारा ये दही और चिली फ्लेक्स और पेरी पेरी मसाले का मिक्सचर पहुंच जाए। बस हो गया हमारा तैयार। अब इसको हम सैंडविच को या तो हम तवे पे ऐसे, या आप जो तवे पे या फिर आप ग्रिल कर सकते हैं। आप इसको कैसे कर सकते हैं आप इसको? अब हम दोनों तरफ स्लाइसेस को दोनों तरफ हम लगाएंगे हरी चटनी, जनरस अमाउंट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दी बेल आइकन, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, और प्यार बरसाते रहें ऐसे। ये हमने लगा दी चटनी। अब लगाएंगे हम अपना ये मिक्सचर। और वोला बोलते हो आई गेस, वोला होता है। और कर देंगे पैक। तवे से लेंगे गैस, डालेंगे हल्का सा बटर, और बस सेकना। जब भी कुछ आपका हल्का, लाइट और इंस्टेंट खाने का मन करे तो बस ये, इवन कि आपके पास पेरी पेरी मसाला हो। बहुत ही फ्लेवर पैक्ड होने वाला है। लगा देते हैं इसको, और हल्की आंच पे गोल्डन क्रिस्प हो जाए हमारा आउटर, तब करते हैं टेस्टिंग इसकी। लो जी, दोनों तरफ से इवनली पक चुका है, क्रिस्प हो चुका है और हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। मस्त लग रहा है ना, क्या सेक्सी लग रहा है। करते हैं बंद, करते हैं स्लाइसेस। चटनी की तीखापन, पेरी पेरी मसाले का एक्सप्लोजन और पनीर, प्याज और कैप्सिकम, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, अल्टीमेट। ज़रूर बनाएं, बहुत सही सेक्सी बनाया। आई मीन मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, एक टेस्ट कर लूँ मैं प्लीज़। दही की हल्की सी खटास, ओ हो क्या मस्त बना है। ज़रूर बनाएं इसको और ऐसी अमीबी मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्ते।